उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सलक्यारा टनल में 12 दिनों से फंसे 41 मजदूर आज बाहर आ सकते हैं। टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन जल्द ही 60 मीटर तक ड्रिल कर देगी। टनल के अंदर आखिरी 800 एमएम का पाइप डाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के सदस्यों में से एक गिरीश सिंह रावत ने बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग आखिरी चरण में। ड्रिलिंग कम्प्लीट होने पर एनडीआरएफ की 15 सदस्यीय टीम हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर के साथ 800 एमएम की पाइपलाइन से अंदर जाएंगी। अंदर फंसे लोगों को बाहर के हालात और मौसम के बारे में बताया जाएगा। डॉक्टरों का कहना है क्योंकि टनल के अंदर और बाहर के तापमान में काफी अंतर होगा, इसलिए मजदूरों को तुरंत बाहर नहीं लाया जाएगा। मजदूरों को कमजोरी महसूस होने पर एनडीआरएफ की टीम उन्हें पाइपलाइन में स्केट्स लगी टेम्पररी ट्रॉली के जरिए बाहर खींचकर निकालेगी। इसके बाद 41 मजदूरों को एम्बुलेंस में जो है चिल्यानी सौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा। यहाँ 41 बेड का हॉस्पिटल रेडी है। तो आज हम भी यही कामना करते हैं कि 41 मजदूर जो है सकुशल बाहर आ जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये 41 बेड का हॉस्पिटल है, क्योंकि मजदूरों को 10 से 12 दिन हो गए अंदर टनल के अंदर और अंधेरे में रह रहे हैं, कम तापमान होता है, तो ऐसे में जब वो बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तबीयत जो है मजदूरों की खराब होगी। और कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो पहले से ही बीमार है, तो उनके स्वास्थ्य के देखरेख के लिए उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन में आया हूँ। अच्छा। वो 13 किलोमीटर की टनल है, ये जैसे 4.5 किलोमीटर है। यही एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं कि भाई वहां पे जैसे इधर से 2 किलोमीटर या 200 मीटर पे गिरा है, हम लोग 4-4 किलोमीटर अंदर है। दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दे विल कट द स्टील एंड मशीन विल वर्क थ्रू गैस कटर मशीन। यस, कोई दिक्कत नहीं है अभी, कोई सॉइल आ रहा है लगातार इस तरह का नहीं। नहीं, वो देखिए किसी एक आदमी ने थोड़ा सा ये सलाह दे दी एनडीआरएफ के आदमी ने कि भाई अंदर कंप्रेसर की हवा छोड़ दो, क्योंकि अंदर गर्मी है, तो जब कंप्रेसर की हवा छोड़ी तो वो थोड़ी ज्यादा होती है कंप्रेसर की हवा, तो पाइप में थोड़ी मिट्टी है तो उससे थोड़ी डस्ट बन गई, वो डस्ट बैठ चुकी है नीचे। क्या आपका अनुमान है कब तक ये दो पाइपलाइन डाली जाएगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई वेल्डिंग वोल्डिंग करने में, पाइप को पुश करने में, इसको गर्डर अपना स्टील को काटने में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि सवेरे 8-1 बजे तक ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा।